Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. Hello everyone, I'm Meera Kataria and welcome back to my channel, The वाव फैक्टर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत क्रिएटिव वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि एज वी ऑल नो कि वैलेंटाइंस वीक आने वाला है, तो उसके लिए आप घर पर ही रहकर किस तरीके से अपने एक क्रिएटिविटी को यूज़ करके चीज़ें बना सकते हैं अपने लव वंस के लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाई है। मैं बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो जो चीज़ें मैंने इस वैलेंटाइंस वीक के लिए प्रिपेयर की हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसमें से ये एक वीडियो स्पेशल है जो मैं आप लोगों के साथ अभी आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो वीडियो है इस पे डिपेंडेंट। जी हाँ, ये आर्ट हार्ट आप देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत हार्ट है। आप इस ऐसे हार्ट को मार्केट में लेने जाएंगे तो एंड आई एम श्योर ये आपको 500 से अबव ही पड़ने वाला है। लेकिन इस हार्ट को मैंने घर पे प्रिपेयर किया है, सिर्फ और सिर्फ आई गेस 100 रुपीज़ से भी कम इसमें लगे हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये हार्ट आप घर पर रह के किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड गाइज, हम लोग जानते हैं कि मार्केट से ली हुई चीज़ और हाथ से बनाई हुई चीज़ में कितना डिफरेंस होता है, उसकी एक अलग फील होती है, उसका एक अलग ही चार्म होता है। तो आप भी ये हार्ट ज़रूर बनाएं, बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप। प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आपके लिए और बहुत सारी क्रिएटिव वीडियो लेकर आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, ये हार्ट बनाने के लिए हमें इस तरीके का एक कार्डबोर्ड चाहिए जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, घर पर मिल जाता है। एक सीजर, साथ में ड्रॉ करने के लिए पेन या पेंसिल और ग्लू, चाहे तो आप फेविकोल ले सकते हैं। और साथ ही ये एक तरीके का क्रैक पेपर आता है, आप स्टेशनरी की शॉप पे जाके अगर आप क्रैक पेपर बोलेंगे तो आपको बड़ी ईजिली से पेपर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हार्ट बनाना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कार्डबोर्ड पे एक इस तरीके की शेप ड्रॉ कर लिए हार्ट। आप जिस तरीके की आप शेप चाहते हैं वो शेप ड्रॉ कर लीजिए और इसको मैं इसको कट कर लेती हूँ। मुझे ऐसी दो शेप्स चाहिए जिनको मैं बाद में एक साथ पेस्ट करूँगी। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग कार्डबोर्ड की शेप्स को काट लिया है। ये आपको बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा, कोई भी जैसे आपका कोई भी कोरियर आता है वो वाला जो बॉक्स मिलता है आप उसमें से ये कटिंग कर सकते हैं, या नॉर्मल कोई भी आपके पास बॉक्सेस होते हैं आप उसमें से इसको कटिंग करके बना सकते हैं। पर ध्यान रखिए थोड़ा सा ये मोटा होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए, बिल्कुल पेपर जैसा पतला नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये हार्ट की शेप है ये रेडी कर ली है। अब मैं दूसरी तरफ इसको इसी शेप को ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से, एंड ड्रॉ करने के बाद इसको भी मैं कट कर लेती हूँ सेम तरीके से। तो आप देखिए दोनों शेप मेरे पास रेडी हो चुकी हैं हार्ट की। तो अब जो ये क्रैक पेपर है, क्रैक पेपर को मैं एक फोल्ड करती हूँ, फिर एक और फोल्ड करती हूँ, नेक्स्ट वाला फोल्ड इस तरीके से, और फिर इसको एक और फोल्ड करती हूँ। ये फोल्ड करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसमें निशान लगाना है कि हम मुझे जो चौड़ाई चाहिए अपने पेपर्स की वो कितनी होनी चाहिए। मैंने ऐसे निशान लगा लिया है, अब मैं इसको इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। डजेंट मैटर कि इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल जाते हैं, अगर इक्वल नहीं भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से करने के बाद मुझे सारे पेपर्स को अलग अलग सेपरेटली करना है, तो इसको मैंने इस तरीके से जो भी इसके जॉइंट्स हैं उनको कट कर लिया है। तो सारे जॉइंट्स कट करने के बाद ये सारे जो है पेपर्स को मैंने इस तरीके से खोल लिया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको रेडी कैसे करना है। तो अब मैंने क्या किया है, पहला जो इसका पार्ट है हार्ट का, मैंने इसको लिया है और उस पर इस तरीके से फेविकॉल की हेल्प से इसमें मैंने फेविकॉल डाल दिया है और इसको इस पर स्प्रेड कर दूंगी। आप चाहें तो ब्रश यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अब अपनी फिंगर को यूज़ करके भी इसको इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको क्रैक पेपर, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्रैक पेपर किस तरीके से काम करता है अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो। अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच भी हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए स्ट्रेच करके कितना बड़ा हो गया। एक्चुअल जो इसका साइज़ था वो ये था और मैंने जब इसको पुश किया है दोनों साइडों से तो इस तरीके से हो गया। तो आपको क्या करना है, एक पेन या पेंसिल की हेल्प से इसके सेंटर पॉइंट में रखते हुए इसको चारों तरफ से घुमा के और इस तरीके से पेस्ट कर देना है। आपको फिर से दिखाती हूँ,
ये पेपर है और इसके सेंटर में आपने पेन या पेंसिल की हेल्प से इस तरीके से फोल्ड किया और इसको चिपका दिया। अब आपको यही पैटर्न फॉलो करते हुए पूरे हार्ट को इसी तरीके से इस पेपर से कवर करना है। तो देखिए बहुत ईजी है और आप ध्यान रखिए कि जितना गैप आप अच्छे से फिल कर पाएंगे आपका हार्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से मैं इस पे लगा रही हूँ। इंटरेस्ट में गाइज बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है। इनफैक्ट लगता ही नहीं है कि आपने इसको घर पे रेडी किया है, ऐसा लगता है कि शायद आप इसको मार्केट से लेकर आए हैं और बहुत एक्सपेंसिव जैसा लगता है ये। और इस तरीके से मैं ये क्रैक पेपर, आप चाहें तो छोटे साइज के भी ले सकते हैं, आप चाहें तो बड़े साइज के भी ले सकते हैं। बस ये है कि आपने एक स्टैंडर्ड साइज फॉलो करना है। जैसा आप साइज इस वाले हार्ट पे रखेंगे, सेम साइज आपको जो नेक्स्ट हार्ट आप क्रिएट करेंगे सेम साइजेस के पेपर के कटिंग आपको उस पे लगानी है। तो इस तरीके से मैंने इसको कवर कर रही हूँ। बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। और आप देखिए कोई भी डिफ़िकल्ट वाली टेक्निक नहीं है इसमें कि आपसे नहीं हो पाएगा। आई एम श्योर इसको तो कोई बच्चा भी कर सकता है। तो इस तरीके से ये मैंने लगा दिया है और ये मैंने अपना एक हाफ एरिया जो है इसका कवर कर दिया है। अब जो दूसरा एरिया बचा हुआ है मैं उसको कवर करती हूँ। सेम पैटर्न से मैंने इस पर फेविकॉल इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद वैसे ही आपको इसको अच्छे से अपने जो ये हार्ट वाले पेपर जो है इनको फोल्ड करके और पेन या पेंसिल की हेल्प से इसको स्टिक करना है। अब देखिए ये मेरा हार्ट जो है ये ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, बस लास्ट की जो थोड़े से एजेस हैं उस पर थोड़ा सा रह गया है। तो इस तरीके से मैंने जो इसके एजेस हैं वो भी कंप्लीट कर दिए हैं, ये लास्ट वन। और ये देखिए इस तरीके से ये हार्ट जो है ये रेडी हो चुका है। ये देखिए लग रहा है ना सुंदर हार्ट। अब ये इस तरीके से रेडी हो चुका है और इसी तरीके से ये देखिए बैक से जो है ये बिल्कुल प्लेन है। और इसी तरीके से आप क्या कीजिए, जैसे आपको थोड़ा सा गैप दिखता है तो आप पेपर्स को इधर उधर, जो क्योंकि वो मुड़े हुए पेपर है, आप उनको थोड़ा सा खोल सकते हैं सो दैट कि जो एरिया आपको दिख रहा है वो कवर हो जाए। तो ये देखिए मैंने जो दूसरा हार्ट था वो भी रेडी कर लिया है। तो दोनों हार्ट इस तरीके से मेरे पास हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस हार्ट के बैक साइड पर फेविकॉल लगाऊंगी क्योंकि मुझे जो वो दूसरा हार्ट है वो इसके बैक साइड में पेस्ट करना है। तो ये करने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि इसको मुझे हैंग भी करना है ताकि ये इजीली हैंग हो सके कहीं पर भी। तो इस तरीके से रिबन की कटिंग ले ली है। आप चाहें तो रेड ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, बट मुझे ब्लैक अच्छी लग रही थी तो मैंने इस पर ब्लैक लगाया है। आप चाहें जितनी लंबी हैंगिंग्स के लिए आप चाहते हैं उतना लंबा इसको रख सकते हैं। मुझे ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए तो मैं इतना ही इसको शॉर्ट में ही हैंग करूँगी। और इस दूसरे वाले हार्ट पे भी ग्लू लगा के दोनों को आपस में इस तरीके से मैं पेस्ट कर दूँगी और थोड़ी देर इसको ड्राई होने देंगे। और अब देखिए जो ये इस तरीके से स्टिक हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा जो इसके साइड्स में है, आपको साइड्स के जो हैं इसके प्लेन पार्ट दिख रहे होंगे। इसको मैंने अच्छे से पेस्ट कर दिया है, थोड़ा पुश कर देती हूँ। अच्छा, प्रेस करने के बाद क्या है, आपको ये दोनों हार्ट दोनों तरफ से दिखा दे, देख रहे होंगे साइड्स में थोड़ा प्लेन दिख रहा है, थोड़ा सा अनफिनिश्ड दिख रहा है। तो हमें इस एरिया को भी कवर करना है सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो इस तरीके से मैं क्रैक पेपर लेके उसकी सेम साइज की कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से क्रैक पेपर को एक और फोल्ड करके मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ओके, अब कटिंग करने के बाद सेम पैटर्न फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे ग्लू लगाना है जहाँ जहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि मतलब उसका सरफेस दिख रहा है, वो प्लेन दिख रहा है, वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे मुझे उसको थोड़ा सा ऐसे होल्ड करके वही पैटर्न फॉलो करते हुए उसको लगा देना है। इस तरीके से लिया और इस तरीके से इसको पेस्ट कर दीजिए। थोड़ा सा एजेस हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट आप
जब तक वो ड्राई ना हो जाए तब तक आप उसको उसी साइड को इस तरीके से होल्ड करके रखिए। तो इस तरीके से मैं लगा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने देखिए पूरा मेरा दोनों तरफ से एरिया जो है वो कवर हो गया है, और ये लास्ट जो बचा हुआ है इसको भी मैं कवर कर देती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मज़ा आता है, बहुत इट्स सच अ फन टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। अब ये देखिए ये मेरा हार्ट बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से मैंने, अब मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ कि ये हैंग होने के बाद इस तरीके से रोल करता हुआ कितना प्यारा लगता है। इट्स लाइक अ वॉल हैंगिंग। आप चाहें इस पे तो कोई लेटर पेस्ट कर सकते हैं जिसको आप देना चाहते हैं। तो ये हैंग होके कुछ इस तरीके से लगेगा। बहुत ही सुंदर पीस निकल कर आया है, बहुत सुंदर पीस बना है। एंड आई एम श्योर आपको ये आर्ट, ये क्रिएटिविटी बहुत पसंद आई होगी। तो गाइस प्लीज़ ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। ये क्रिएटिविटी बहुत ईजी है एंड बहुत कम प्राइस में आप ये आर्ट बना के तैयार कर सकते हैं।